शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्थानीय भवन स्कूल के साहिल राजू मून, इसने जिले से प्रथम आकर शहर का नाम रोशन किया है। 98.80% अंकों के साथ सीबीएसई में जिले में प्रथम आने का बहुमान साहिल ने हासिल किया। हिंगनघाट के जीबीएम भवन स्कूल के साहिल राजू मून को 98.80% अंकों के साथ जिले में प्रथम आने का सम्मान प्राप्त किया है। शहर संत टुकड़ोजी वार्ड के त्रिशरण नगर में रहने वाले साहिल राजू मून ने अपनी इस उपलब्धि से शहर का नाम गौरवित किया है। साहिल पहले से ही पढ़ाई में तेज था, इस प्रकार प्रतिक्रिया उसके माता पिता ने दी है। साहिल पढ़ाई के साथ ही चित्रकला में भी निपुण है। चित्रकला का हुनर भी साहिल ने खुद ही हासिल किया है। उसके साथ ही कई प्रतियोगिता में अपने आप का अव्वल क्रमांक लाया है। पढ़ाई के साथ ही वॉलीबॉल खेल में साहिल की रुचि है। विशेष यह है कि साहिल ने कोई भी कोचिंग क्लास नहीं लगाई थी, तब भी यह बहुमान हासिल किया है। आगे साहिल वैज्ञानिक बनने की इच्छा रखता है। साहिल के पिता समुद्रपुर तहसील के बर्फा के जिला परिषद स्कूल में अध्यापक पद पर कार्यरत है। साहिल की माता गृहिणी है। साहिल की छोटी बहन भी भवन स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ रही है। साहिल के इस उपलब्धि से शहर में शुभकामनाओं का तांता लगा है। इस उपलब्धि का श्रेय साहिल ने अपने माता पिता और भवन स्कूल के अध्यापकों को दिया है। इनबीसीएन न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि एनोरकर की रिपोर्ट। मी भवन जीवन मध्ये शिकत होतो, 10वीच्या पेपर साठी माझे काही विशेष शेड्यूल नाही होता, पण जे शाळेत शिकवलं जात होतं ते माझ्या बरोबर लक्षात राहत होतं आणि पेरेंट्सकडून काही प्रेशर नव्हता का एकदम टॉपच यायचा आहे। मला स्वतःवर विश्वास होता। अजून मी आपल्या यशाचे श्रेय स्वतःला अजून माझ्या माता पित्याला देतो। भविष्यात का बनणार आहे? मला भविष्यात सायंटिस्ट बनायचं आहे। आता मी IIT ची तयारी करत आहो। तर माझे मॅथ्सचे सर संजय सर, आणखी सायन्सचे आमचे 3 टीचर होते, फिजिक्स केमिस्ट्री अजून बायोलॉजीसाठी, त्यांनी खूप सहकार्य केलं। साहिल मून यांचे वडील हा या वर्षीच्या CBSE च्या 10वीच्या परीक्षेमध्ये जिल्ह्यामधून टॉपर आला, याच्याबद्दल आम्हाला पूर्ण परिवाराला माझ्या या त्रिशरण नगर वार्डला, आमच्या बाजूच्या महालक्ष्मी वार्डला सुद्धा खूप असा अभिमानाची ही गोष्ट आहे। माझं एक संघटना आहे, स्वतंत्र समता शिक्षक संघ, या संघटनेच्या परिवाराला सुद्धा याच्याबद्दल खूप अभिमान वाटला, आमचा सत्कार झाला। या गोष्टीमध्ये अभ्यासाबद्दल जर त्याच्या बोलायचं झालं तर त्यांनी स्वतः त्याने सेल्फ स्टडी या माध्यमातून त्यांनी स्वतः अभ्यास केला। आपलं कुठलंही त्याच्यावर बर्डन नव्हतं। ट्यूशनबद्दल तर तो बोलतच नव्हता। विदाऊट ट्यूशन ही गॉट दॅट सक्सेस, आणि त्याच्यामुळे हे सगळं श्रेय जर पाहिलं तर ते त्याचं आहे आणि त्याचा आम्हाला खूप अभिमान आहे। सांगितलेल्या काही गोष्टी मात्र त्यांनी आमच्या फॉलो केल्या, त्याच्या टीचरनी त्याला त्या पद्धतीचं काही गाईडलाईन केली आणि त्याच्यामुळे मी पहिल्या वर्गापासून तो अशा खूप कॉम्पिटिशन ज्या ऑलिम्पिकच्या वगैरे होत होत्या त्याच्यामध्ये तो गोल्ड मेडल घेत होता आणि असंच यश त्यांनी घेत आतापर्यंत ही गोष्ट केली। आम्ही जिल्ह्यामध्ये टॉपर येईल ही अशा प्रकारची एक अभिमानाची गोष्ट आम्हा परिवारासाठी आहे।